शुभ अंक, ये हमारी एक ऐसी खास सीरीज चल रही है जिसके तहत हम आपके जन्म की तारीख से आपका विश्लेषण करते हैं, आपकी यूएसपीज, आपका कारोबार, आपकी हेल्थ, आपका फैमिली और आपका फॉरेन विजिट, सब कुछ बहुत हद तक हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। सीरीज का हमने कमिटमेंट लिया था कि महीने की अगर आप किसी भी तारीख को पैदा हुए हैं, 1 से लेकर 31 के बीच में, तो आपको अपने हिस्से के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ये जो सीरीज शुरू हुई है शुभ अंक की, वो आज उसका जो पड़ाव है वो 7वें नंबर पे आ गया है। यानी कि आप 1-2 तारीख को पैदा हुए हैं तो उसका वीडियो है, 3 तारीख को पैदा हुए उसका वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, 4 तारीख का वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, 5 और 6 का वीडियो भी आपको मिल जाएगा। और आज हम बात करने वाले हैं जो लोग 7 तारीख को पैदा हुए हैं, भले किसी भी महीने की हो, जनवरी से लेकर दिसंबर तक किसी भी महीने में पैदा हुए हो, अगर 7 तारीख का उनका जन्म है तो उनके रहस्य और उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें आज हम करने वाले हैं। आज हमारे साथ फिर से देश की सबसे सुलझी हुई और सबसे बेहतरीन न्यूमरोलॉजिस्ट शीतल वाकरे जी जुड़ चुकी है। शीतल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, पहले तो थैंक यू वेरी मच, आज फिर से आप हमको समय दे रहे हैं। एक एक करके हम सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आज हम 7 तारीख तक आ गए हैं, यानी कि 7 तारीख का जिसका भी जन्म है, किसी भी महीने का जन्म है, उनके रहस्य आप धीरे धीरे करके खोलना शुरू कर दीजिए। तो पहले जरा यूएसपी से शुरू कीजिए, उनका व्यक्तित्व क्या है, उनको हम पहचाने कैसे। यस, डेफिनेटली वन ऑफ माय नंबर 7 न्यूमरोलॉजिकली हम इसे भी, जैसे नंबर 6 के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था, तो इसे आप मैजिकल नंबर बोल सकते हो कि ये एक मैजिकल नंबर है। मतलब आगे क्या होने वाला है, जिसे हम लोग बोलते हैं ना कि आगे का जो फ्यूचर है ना, इन लोगों को कहीं ना कहीं दिखता है, इसीलिए हम लोग इसे मैजिकल नंबर बोलते हैं, वन ऑफ माई फेवरेट नंबर। थोड़े रिजर्व होते हैं डेफिनेटली ये लोग, मतलब रिजर्व टाइप के होते हैं, जल्दी किसी के साथ ओपन अप नहीं होता है, बट बहुत ज़्यादा हम्बल भी होते हैं। मतलब हम लोग इसे बोल सकते हैं कि नम्रता इनके स्वभाव में कूट कूट के भरी होती है, थोड़े से मतलब सेल्फ रियलाइज्ड होता है, स्वाभिमानी हम लोग जिसे बोल देते हैं, और किसी भी काम को ये जितने बेहतर कर सकते हैं, इस नंबर के अलावा कोई उस काम को बेहतरी तरीके से नहीं कर सकता है। यानी कि हर चीज को बेहतर से बेहतर और बेहतर और बेहतर इस तरह से करने की आप बता रहे हैं कि ये 7 नंबर वालों में कूट कूट के भरी होती है। राइट, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैम, अभी आपने एक चीज की शुरुआत की थी जब आप इनके यूएसपीज बता रहे थे, 7 तारीख जिनका भी जन्म है, कि ये आपके लिए एक लकी नंबर भी है, या 7 नंबर आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट नंबर है, ऐसा क्यों, ऐसा ऐसा आपने ऐसे ही बात क्यों बोली? मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर एक नंबर की ना अलग चीज होता है। अगर आप देखोगे ये नंबर जो, जिसे हमने बोला है कि ये बहुत नम्र होते हैं, जैसे आप देखो बोल्ड हो जाते हैं, मतलब लाइक कॉम्प्रोमाइज भी कर लेंगे और सुन भी लेंगे, उतनी ही तरीके से सॉफ्टली रिएक्ट भी करते हैं, तो इनको है ना, मतलब हम लोग बोल सकते हैं, बहुत बार ऐसे होता है ना कि आप कहीं गिरने वाले हो तो ये आपको बता देगा, भाई थोड़ी संभल के गाड़ी चलाना, हो सकता है तेरा एक्सीडेंट हो सकता है। सो दैट इज मैजिकल पावर इनके पास होती है, इसीलिए हम लोग इस नंबर को मैजिक नंबर, एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट मुझे काफी सारी मैजिक इस नंबर में दिखती है। बहुत बढ़िया, चलिए, तो ये होगी यूएसपीज, 7 नंबर यानी कि जिनका भी जन्म 7 तारीख को है, चाहे वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक किसी भी महीने में है, तो उनकी पहचान मोटा मोटी आपके सामने आ गई। अब हम इसी 7 नंबर पे आते हैं। मैडम, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, मेरे को ऐसा हमेशा से लगता रहा है कि 7 नंबर वाले व्यापार, बिजनेस, मार्केट, इन सब में बहुत अच्छे से रहते होंगे, तो जरा मैं मार्केट के हिसाब से पता करना चाहता हूँ कि मार्केट के हिसाब से इनका इनका सक्सेस कैसा रहता है, इनको आना चाहिए नहीं आना चाहिए, इनका मार्केट कनेक्शन क्या है, स्टॉक मार्केट कनेक्शन क्या है। देखिए डिम्पी सर, 1-6 नंबर्स के लिए हमने स्टॉक मार्केट देख तो लिया कि कैसे रहेगा, स्टॉक रिकॉग्नाइज करना है के लिए बहुत मेहनत का काम, मतलब मैं बोल सकती हूँ कि सफलता की सीढ़ी नंबर 7 के लिए इन स्टॉक मार्केट थोड़ी सी कम होती है, मतलब लॉस की तरफ ज्यादा झुकाव इनका रहता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि फेल्योर थोड़ा ज्यादा इन स्टॉक मार्केट में होता है,
बट हाँ इनकी व्हील पावर जो है ना ये बहुत अच्छी होती है, मतलब इंटेलिजेंस तो होता ही है नो डाउट, बट व्हील पावर भी बहुत अच्छी होती है। तो जो जिनकी बर्थडेट, अब हम लोग ये कॉमन चीज ले रहे हैं कि जिनकी बर्थडेट 7 तारीख है उनके हिसाब से अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो इनके बर्थडेट के हिसाब से डॉक्टर से ये एंटर करेंगे तो डेफिनेटली इनको बेनिफिट होते हुए हम लोग देखेंगे। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं मोटा मोटी कि आप स्टॉक मार्केट के हिसाब से तो ठीक नहीं है 7 तारीख वालों का शेयर बाजार से कनेक्शन होना, क्योंकि इनको फिर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एक्चुअली होता भी है, कई बार हम ब्रोकिंग हाउसेस में देखते भी आए हैं कि 3-4 लोग एक साथ बैठे हैं, एक कोई भी सौदा लेता है उसकी रेशियो अच्छी रहती है, ठीक है उसके इंटेलिजेंस है पढ़ाई है, लेकिन वही सौदा सेम सौदा अगर कोई दूसरा आदमी ले ले तो क्या होता है कि भाई शेयर को तो चलना ही है, दोनों ने एक साथ लिया, एक ही समय पे लिया, एक ही प्राइस पे लिया, लेकिन योगा नियोग कुछ ऐसा हो जाता है कि एक को घाटा हो जाता है एक अच्छे से प्रॉफिट बना जाता है। तो मेरे को लग रहा है ये जो आप कह रहे हैं कि 7 तारीख वालों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सफलता होती है, बार बार ये गिरते हैं फिर उठते हैं फिर गिरते हैं फिर उठते हैं, ये 7 तारीख में मेरे को लगता है मार्केट में थोड़ा ज्यादा दिखता है। आपका भी कुछ ऐसा ही ऑब्जर्वेशन है? आपने एक स्टोरी बता दी है तो मैं भी बता देती हूँ। मेरे पास भी काफी सारे न्यूमरोलॉजी जो क्लाइंट आते हैं वो मेरे साथ स्टॉक मार्केट के क्लासेस करके काम करते हैं, तो मैं उनकी न्यूमरोलॉजी के लिए कुंडली जब बना देती हूँ तो एक बंदे के लिए अगर हमने बोल दिया कि एक्सिस बैंक तू बाय कर ले, उसी को दूसरा लेवल देते थे एक्सिस बैंक तू सेल कर दे, तो वहां पे कॉम्पिटिशन अच्छा। चलती है कि तुझे प्रॉफिट होगा या मुझे प्रॉफिट होगा। अभी रिसेंटली लास्ट वीक मैं आपको बता देती हूँ कि दोनों को प्रॉफिट हुआ था सेम डे। अच्छा मतलब बाय वाले को भी और सेल वाले को भी? यस सर। ये कैसे हुआ कि बाय वाले को भी और सेल वाले को भी प्रॉफिट हो गया? क्योंकि उसी दिन टाइमिंग्स देखो, अब न्यूमरोलॉजिकली जब स्टॉक में एंटर करते हो तो दोनों के लिए वो स्टॉक कोड तो सूटेबल था, बट दोनों की बर्थडे थी, मतलब भाग्यांक और मूलांक दोनों के चेंज थे, और जब वो दोनों चेंज थे ना तो टाइमिंग्स भी बहुत मैटर करता है, डे भी बहुत मैटर करता है और टाइमिंग्स भी बहुत मैटर करता है। मोस्ट ऑफ टाइम जब मैं आपको न्यूमरोलॉजिकली बातें बताती हूँ आपके बारे में तो आपकी लकी डायरेक्शन भी बताती हूँ, तो वो मेरे लिए भी एक प्रैक्टिस था। मैंने दोनों को सामने बिठाया था, उनके लकी डायरेक्शंस पे बिठाया था और नंबर ऑफ क्वांटिटी उनके लकी नंबर्स के हिसाब से दी थी, बस एक को मैंने बाय करवाया था और एक को सेल करवाया था, बट उनके लकी टाइमिंग के हिसाब से ही एक को बाइंग में प्रॉफिट हुआ और एक को सेलिंग में प्रॉफिट हुआ। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही बेहतरीन है। तो ठीक है, तो इसका मतलब न्यूमरोलॉजी का ये तो आपने एक बार जो एक्सपेरिमेंट आप करते रहते हैं, इसी एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर तो हम आपके साथ ये शो कर रहे हैं और हमको बड़ा फायदा मिल रहा है, इनफैक्ट हमारे व्यूअर्स को भी काफ़ी अच्छा फायदा मिल रहा है। लेकिन अगर आपको भी शीतल मैम से जुड़ना है, उनसे पता करना है, अपने बारे में जानकारी और लेनी है, या किसी मुसीबत में आप रहें और आपको लगता है कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट मेरी हेल्प कर सकता है, हम रीज़न उसके बारे में बात भी करेंगे, तो आप चाहें तो शीतल जी से जुड़ भी सकते हैं। ये नंबर्स व्हाट्सएप के नंबर्स, ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पर हैं, आप चाहे तो नोट भी कर लीजिए। और मेरा तो सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि आप फोटो खींच के रख लीजिए, आपको किसी को अगर भेजना भी है तो इजीली शेयर भी हो जाता है सब कुछ और आपके पास हमेशा सेव रहता है, तो आपको ये स्क्रीन पे नंबर सारे आ गए हैं। अच्छा शीतल मैम, 7 तारीख वालों के लिए मार्केट ठीक नहीं है, लेकिन आप बता रहे हैं उनकी इंटेलिजेंस और उनकी इच्छा शक्ति बहुत अच्छी होती है, ये दोनों पे ही वो ज़्यादा फोकस करें इससे क्या बाजार में आना चाहिए, या फिर ये दोनों ठीक हैं अपने आप में अच्छी चीज लेकिन मार्केट से कुछ ज्यादा सरोकार नहीं होगा इनका? ऐसे नहीं बोल सकते हो आप, बट हाँ जैसे मैंने बोला कि इनकी इच्छा शक्ति और नॉलेज लेके आने की जो मेंटालिटी हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये पूरा सीख के फिर एंटर करेंगे समझदारी से, तो डेफिनेटली इन्हें भी प्रॉफिट हो सकता है। बट बस हमें मैं हर बार यही सजेस्ट करती हूँ कि एक बार बस खुद की न्यूमरोलॉजी जब आप चेक करोगे तो आप डे ट्रेडिंग कर सकते हो, इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो, फ्यूचर्स में काम कर सकते हो या सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ये जान लेते हैं तो ज्यादा बेटर ऑप्शंस इनके लिए स्टॉक मार्केट में भी हो सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग, यानी कि अगर थोड़े से भी चेंजेस अगर हम करें या थोड़े से इसको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करें तो 7 तारीख वालों के भी असफलता, यानी कि जो बार बार सफलता हाथ से छटक जाती है, वो थोड़ा उनके हाथ में आना शुरू हो जाएगा, घाटे थोड़े कम हो जाएंगे, तो ये भी हम ठीक कर सकते हैं। खैर, नेक्स्ट आते हैं फॉरेन पे। मैं 7 तारीख वालों के लिए फॉरेन और फॉरेन से जुड़ा हुआ उनका उनका क्या है, उनका नेचर क्या है?
मतलब ये लोग बने ही होते हैं फॉरेन जाने के लिए, आप ऐसे बोल सकते हो। मतलब ये अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं ना, तो फॉरेन जाने की अपॉर्चुनिटी ही पहले ढूंढते हैं। मतलब इनको अपॉर्चुनिटीज तो काफी सारी मिल जाती है, बट अगर ये पहली अपॉर्चुनिटी पिक करेंगे तो ये फॉरेन कंट्रीज को फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। मतलब बहुत अच्छे तरीके से इनको आसानी से फॉरेन कंट्रीज में जॉब भी मिल जाते हैं, एजुकेशन के लिए भी इनको इजी हो जाता है। मतलब जो दिक्कतें फेस करनी पड़ती है ना इन लोगों को, वो बाकी नंबर्स को, तो इन लोगों को वो नंबर्स के हिसाब से, नंबर 7 के हिसाब से ये सारी दिक्कतें फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बने ही होता है फ्लाई करने के लिए। ग्रेट, बहुत। तो 7 नंबर फ्लाई नंबर है, तो ये इजी हो जाएगा याद रखना कि भाई 7 नंबर वालों आप फ्लाई कर सकते हो, आपको कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी। अच्छा, एक और चीज़, जिनके घर में ना बहुत सारे बच्चे होते हैं, जैसे मान लो आपके फादर हैं, आपके चाचा जी हैं, आपके ताऊ जी हैं, तो घर में क्या होता है 10-12 बच्चे हैं, तो कई बार क्या होता है कि फैमिली की थोड़ी कंडीशन फाइनेंशियली इस तरह से होती है कि हम 2-4 बच्चों पर ही हम पैसा लगा सकते हैं। तो मेरे को लगता है ये वन ऑफ द फाइनेस्ट वे भी हो सकता है एक बार देखने का, कि अगर किसी बच्चे को हमको कि फॉरेन में टूर करवाना है या फिर फॉरेन में कुछ की कुछ क्लासेस करवानी है, तो 7 नंबर वाले को चेक कर लेते हैं कि किसका जन्म 7 तारीख का है। ये वन ऑफ द बेस्ट वे भी हो सकता है एक बार, अगर आप अभी सब अच्छे तो बच्चे तो सबके समान होते हैं, लेकिन चुनाव करते समय अगर आप इसको भी इस्तेमाल करें, मेरे को लग रहा है बेहतरीन तरीका होगा। अच्छा मैम, एक चीज मेरे को और आपसे पता करनी थी, 7 तारीख वाले जिनका भी जन्म है, ये मैजिकल नंबर आप बता रहे हैं, इनका फैमिली का स्टेटस कैसा रहता है? बहुत बढ़िया रहता है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं ना कि ये रिलेशन, जैसे मैंने बोला कि बहुत क्या हम्बल्स होते हैं ये लोग, बहुत सेंसिटिव के साथ एक हम्बलनेस इनके अंदर फूट फूट के भरी होती है, तो सबके साथ इनके रिलेशन है ना बहुत अच्छे। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि लविंग रिलेशन विद एवरी वन, मतलब प्यार भरा हुआ रहता है। और सिर्फ एक सजेशन रहेगा मुझे इन लोगों को कि ये जो आर्टिफिशियल दिखावा करते हैं ना, जिसे हम लोग शो ऑफ बोलते हैं, वो अगर ना करें तो इनके रिलेशंस बहुत दूर तक चल सकते हैं। मतलब जो दिखावे में हम लोग आर्टिफिशियल शो ऑफ करते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हम लोग बोलते हैं कि केयरिंग हम लोग ले रहे हैं, जैसे आप मन से नहीं ले रहे हो, ऊपर ऊपर ले रहे हो, वो अगर थोड़ा सा कम कर दोगे, देखिए हर एक नंबर की अच्छी क्वालिटी और बुरी क्वालिटी बोलना मेरा काम है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, थोड़ा सा शो ऑफ अगर आप कम करोगे तो डेफिनेटली आपके रिलेशंस बहुत देर तक टिके रहेंगे। अच्छा, ये सिर्फ फैमिली के साथ ही शो ऑफ होता है मैम, या फिर ये फ्रेंड सर्कल के बीच में भी होता है ऐसा? स्पेशली हस्बैंड वाइफ के बीच में ज्यादा होता है सर। अच्छा, तो वहाँ पे एक दूसरे को नीचा दिखाने और एक दूसरे से ज्यादा थोड़ा ठीक होने के लिए ये कोशिश करते होंगे 7 नंबर वाले। ग्रेट, यस, चलिए बढ़िया। तो फैमिली में अगर एक दिक्कत है, तो ये दिक्कत तो सिर्फ इसी पॉइंट से क्लियर हो सकती है कि थोड़ा सा आप शो ऑफ कम कर दो। ऐसे शो ऑफ करने की जरूरत भी क्या है, मैं तो खैर थोड़ा इसमें कम ही बिलीव करता हूँ शो ऑफ में, बट ठीक है, फिर भी होता है कई बार, बिजनेस और सब चीज़ें, नौकरी, घर परिवार, समाज, सिस्ट्री, सब कुछ है, तो उसमें करना भी पड़ जाता है। बट ये है कि अगर आपकी फैमिली में अगर कोई दिक्कत चल रही है तो शो ऑफ कम कर दो। मैंने वही बोला ना निपी सर कि थोड़ा शो ऑफ कम करिए, ज्यादा कम मत करिए, थोड़ा सा। जहाँ 100% शो ऑफ कर रहे हो वहाँ पर 20% कम कर दो। हाँ नहीं, ये भी ठीक है कि थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज, आपके अगर दिक्कतें आपको कोई चीज बता रहा है तो उसको पॉजिटिव वाइब्स के साथ लेना चाहिए। तो एक अच्छी चीज ये है कि आप 100% अगर शो ऑफ में हैं तो फिर थोड़ा सा कम कर लो, थोड़ा आप एडजस्ट कर लो, थोड़ा सामने वाला एडजस्ट कर, तो काम हो जाएगा। खैर एनी हाउ, हेल्थ के मैम मामले में मैम, आप ये 7 तारीख वाले, इनका हेल्थ कैसा रहता है? इनको थोड़ी सी माइग्रेन की तकलीफ होती है, डायबिटीज के साथ माइग्रेन और मतलब हेडेक इनका रेगुलरली चलते रहता है, तो उनको माइग्रेन रिलेटेड, डायबिटीज रिलेटेड और हेडेक रिलेटेड जो भी डिजीज हम लोगों को होने के चांसेस है, उस रिलेटेड अगर पहले से ही आप केयर करोगे तो डेफिनेटली इस डिजीज का सामना आपको इन फ्यूचर करना नहीं पड़ेगा। ओके, मैं इसको ऐसे समझ सकता हूँ कि अपर पार्ट ऑफ द बॉडी में इनको थोड़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि कई एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे होते हैं जो कई बार बताते हैं लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, वेस्ट बॉडी पार्ट्स या ईस्ट बॉडी पार्ट्स, ऐसा भी कुछ बताते हैं एस्ट्रोलॉजर्स। तो मैं ये मान सकता हूँ कि जिनका भी 7 तारीख का जन्म है, अपने सिर दर्द से अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रहा है तो एक बार डॉक्टर से सलाह ले लें और जल्दी ले लें। यस सर, डेफिनेटली।
ठीक है। और हर एक डिजीज के लिए मैं हमेशा बोलते रहती हूँ कि योगा और मेडिटेशन दो ऐसी इक्विपमेंट्स है वो बिना कुछ किए आपके सारे डिजीज वो गायब कर सकते हैं। बेहतरीन, ठीक है। तो खैर ये तो एक अच्छी चीज है कि योगा और मेडिटेशन, और मेरे को लगता है कि जहाँ मैम आप बैठे हैं और जहाँ की तस्वीरें भी हमको दिख रही हैं, और ये लगता है योगा और मेडिटेशन के लिए सबसे बेहतरीन जगह है जहाँ पे भी आप दिख रहे हैं मेरे को, क्योंकि पीछे हरियाली काफी है, पेड़ पौधे दिख रहे हैं, और आपकी जो यूजुअल लोकेशन है वो थोड़ी बदली हुई दिख रही है आज मेरे को। यस, आज मेरे साथ मेरी कंप्यूटर स्क्रीन नहीं है जहाँ पे मैं रेट फ्लक्चुएशन देख पाऊँ। अच्छा, तो आज ये बदली हुई जगह का नाम क्या है और कहाँ पे हैं आप? आज मैं नासिक में हूँ, सूला वाइन का नया रिसोर्ट ओपन द सोर्स, वहाँ पे मैं हूँ। ओके, वेरी नाइस। बोल, वैसे ऐसे जीवन में घूमते फिरते थोड़े बहुत रहना चाहिए। शीतल वाखरे को देख के लग रहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं चाहिए। व्यस्तता है भयंकर, न्यूरोलॉजिस्ट भी है, मार्केट को भी देखते हैं, लेकिन फिर भी समय निकल जाता है। मैं हमेशा बड़े बड़े एग्जांपल्स नहीं देती हूँ। मुझे लोग पूछते हैं कि अगर मैं आपसे न्यूमरोलॉजी का प्रोफाइल बनाऊं तो मुझे क्या बेनिफिट होगा, तो मैं सिंपल बताती हूँ। आप मेरे पास आ गए हो ना, आप मेरे से कंसल्टेंसी ले रहे हो, मतलब यही न्यूमरोलॉजी का मेरा फायदा है, तो यही फायदा आपको भी होगा, आपसे भी लोग कंसल्टेंसी लेंगे। जैसे मैं घूम रही हूँ वैसे आप लोग भी घूमोगे। बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। मतलब ये कंपटीशन नहीं, बल्कि ये तो उल्टा आपका सहयोग हो जाएगा, आपका साथ हो जाएगा। अच्छा अच्छा शीतल मैम, एक चीज़ है, जब आपने न्यूमरोलॉजी की बात छेड़ी, क्योंकि हमने करीब 6 नंबर्स तक कवर कर चुके हैं, 1 से लेकर 6 तक, काफ़ी सारे लोगों का ये भी सवाल आया कि न्यूमरोलॉजी और न्यूमरोलॉजी पे हम कितना ट्रस्ट करें और इससे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो एक बार मेरे को आप ज़रा बताइएगा कि एक न्यूमरोलॉजी या एक न्यूमरोलॉजिस्ट क्या क्या देख सकता है, कैसे कैसे आपकी हेल्प कर सकता है, किन चीजों में कर सकता है, और ये कितनी जरूरी है, ये कि बहुत ही बेसिक सवाल है। मैं 7वें एपिसोड में ले रहा हूं, बट ये बहुत ही बेसिक सवाल है। देखिए, इसका ना मैं बहुत सिंपल तरीके से आपको आंसर करूंगी। जब मैं काफी सारे लोगों से दिन में मिलती हूँ, और एक बंदा जो मेरे घर में या मेरे ऑफिस में आता है, उसके लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स लेके आता है वो, उसके पास उसके माइंड में, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे पास बहुत कम प्रॉब्लम्स है, लोगों के पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। और जब वो बंदा मेरे ऑफिस में आता है तो वो बहुत निगेटिव होके आता है। जब मैं उसकी प्रॉब्लम सुन लेती हूँ, पहले तो आपको एक चीज चाहिए, न्यूमरोलॉजिस्ट होने दीजिए, एस्ट्रोलॉजिस्ट होने दीजिए, पहले आप उनकी प्रॉब्लम सुन लेते हो, उसके बाद में उन्हें कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि न्यूमरोलॉजी मुझे कुछ ना कुछ डेफिनेटली मेरे जो ग्रहों की स्थिति है उसमें सुधार लाने में थोड़ी सी सहायता करेगी। बहुत लॉन्ग लाइफ के हिसाब से मैंने सारी चीजों का आपको डेफिनेटली हर एक छोटी 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 चीज का अध्ययन करके मैं आपके साथ सारी चीजें डिस्कस करूंगी, तो वहां पे एक आपको पॉजिटिव वाइब्स आना शुरू हो जाता है। जब एक आपका होता है ना कि हाँ ये काम शीतल ने बोला है ये होने वाला है, तो वो ना होने वाला काम भी आपका होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए ग्रहों की स्थिति आपके न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मुझे पता चल जाती है, फ्यूचर्स में आपके साथ कौन से दिन क्या घटना हो सकती है ये भी मैं आपको न्यूमरोलॉजी के आधार पे बता सकती हूँ। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए, लेकिन ये यही काम थोड़ी होगा सिर्फ न्यूमरोलॉजिस्ट का, और भी होगा, तो वो जरा कौन कौन से जरा वो भी बताइए। आपको हेल्प करती है सर, जैसे आप हमेशा मुझे पूछते रहते हो कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, नंबर्स के हिसाब से फॉरेन हम लोग जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, इससे बहुत बड़ी हेल्प हो जाती है आपको। बहुत बार ऐसे होता है कि प्रॉपर्टीज है सेल नहीं हो रही है, मतलब बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है बट उसका जो दाम आपको आना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो उसे अच्छे दाम पर बिकवाने के लिए भी डेफिनेटली आपको प्रॉपर्टी सेल करने में भी और प्रॉपर्टी खरीदने भी नंबर्स आपको हेल्प करते हैं। काफी बार ऐसे होता है जब लोग मुझसे मिलने आते हैं कि शीतल जॉब में सेटिस्फाइड नहीं है, मुझे जॉब चेंज करना है, मुझे कुछ लाइफ के परफेक्ट डिसीजंस लेने हैं, इसमें न्यूमरोलॉजी आपको डेफिनेटली हेल्प कर लेती है कि हर एक प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस न्यूमरोलॉजी में होता है। बहुत बार ऐसे होता है कि मेरे कुछ वीक पॉइंट्स है वो मुझे नहीं पता चलते कि मेरे वीक पॉइंट क्या है, तो न्यूमरोलॉजी आपको वो बता देगी कि आपके जो वीक पॉइंट है ना उसके ऊपर आप काम करोगे, जो आपके वीक ग्रह है, जो वीक प्लैनेट्स है उसको खुश करने के लिए न्यूमरोलॉजी आपको हेल्प करेगी।
बहुत बार ऐसे होता है, मतलब रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स तो मैं आए दिन मतलब सुनती हूँ, जैसे मैंने बोला ना कि बहुत बार मैं सुनती हूँ कि मेरे रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहे, फैमिली होने दीजिए, फ्रेंड्स होने दीजिए, मैं मेरे तरफ से 100% दे रहा हूँ, बट तो ऐसे टाइम पे आप दे रहे हो तो वैसे ही रिटर्न्स मिलने के लिए न्यूमरोलॉजी आपको हेल्प करती है। बिजनेस अब ऐसे हो गया है कि 70% लोग खुद का काम करना चाहते हैं, खुद का इंडिपेंडेंट कुछ ना कुछ करना चाहिए, जॉब के करना है, और बहुत बार ऐसे होता है कि लोगों को कहीं ना कहीं बिजनेस में कहीं ना कहीं फेल्यूअर मिल जाता है, क्योंकि उनको उनके हिसाब से वो बिजनेस ही नहीं बना होगा। नंबर्स के हिसाब से बिजनेस बहुत जरूरी है, नंबर्स के हिसाब से आप कौन से बिजनेस में काम कर सकते हो, कौन सा में आप कितना अच्छे से काम कर सकते हो, और स्टॉक मार्केट को आपको पता ही है कि स्टॉक मार्केट तो नंबर्स के हिसाब से चलता है और न्यूमरोलॉजी नंबर्स के हिसाब से चलती है। तो डेफिनेटली किसी भी काम को अच्छा करना है, एक पॉजिटिव वाइब्स लानी है, और मेनली सक्सेस, और हम लोग काम करते पैसों के लिए, और पैसे सक्सेस फेम भी मैं बोल सकती हूँ, तीनों चारों चीजों को अगर आपको चाहिए, रिलेशनशिप, हैप्पीनेस, तो एवरीथिंग न्यूमरोलॉजी के मिल जाती है। ठीक है, तो ये तो एक मेरी भी थोड़ी क्यूरियोसिटी थी, तो एक ही बार में आपने उसको शांत भी कर दिया। और ये 10 फायदे जो एक न्यूमरोलॉजिस्ट के होते हैं, और मेरे को लगता है वो सारे गुण आपके अंदर तो हैं ही, तो आप ये सब फायदे आप सबको भी मिल सकते हैं, आप शीतल जी से भी संपर्क कर सकते हैं अगर आपको किसी भी चीज के हिसाब से कोई डिसीजन लेना है या कोई आप सलाह लेना चाहते हैं, तो अलग अलग होते हैं सलाहकार, तो उसमें एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी एक बेहतर सलाहकार हैं जिनसे आप राय ले सकते हो अलग अलग फील्ड के भी। ठीक है, अच्छा मैम, मैं अब जरा आ रहा था 7 तारीख वालों पे एक पॉइंट पे, और वो था बिजनेस एंड जॉब, वो रह गया मेरे को जरा 7 तारीख का बिजनेस एंड जॉब्स के बारे में पता करना था, वो मेरे से एक मिस हुआ है, मेरे को जरा पहले आप वो भी बता दीजिए। देखिए, जैसे मार्केट के लिए मैंने बोला था ना आपको कि मार्केट में आपको जाना है तो नॉलेज लेके चाहिए, तो मतलब ये लोग बिजनेस करना पसंद करते हैं, बट यहाँ पे मैं वापस एक सजेशन दूंगी, जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि न्यूमरोलॉजी आपको करती है आपके होने के लिए, तो न्यूमरोलॉजी का सबसे मेन मीनिंग होता है आपके नाम का स्पेलिंग और सिग्नेचर और कौन सा सेक्टर आपके लिए अच्छा है। तो मैं नंबर 7 और सारे नंबर्स के लिए स्पेशली मेरा यही होता है कि आपका नाम प्रॉपर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग उसे बोलते हैं कि विक्ट्री ऑफ करेक्शंस होता है, मतलब नाम में ही आपकी सारी सीक्रेट छुपी हुई होती है, तो वो सीक्रेट्स अगर आप ठीक से कर लोगे तो आपको कोई भी बिजनेस में कामयाबी मिलेगी। बट फिर भी अगर सजेशन मुझे देना है तो यहाँ पे मैं 60% सजेस्ट करूंगी नंबर 7 के लिए बिजनेस, और 40% मैं सजेस्ट करूंगी फॉर जॉब, और यहाँ पे केमिकल और फूड इंडस्ट्री गुड फॉर देम। ठीक है, केमिकल और फूड इंडस्ट्री ज्यादा ठीक है, 60-40 की रेशियो है, 60% हो गया बिजनेस एंड 40% फॉर द जॉब, और अगर आप थोड़े से भी नाम में चेंजेस लेके आ जाएं, अगर आपको सूट नहीं कर रहा तो फिर इसको भी ठीक किया जा सकता है। ठीक है, अब मैं आता हूँ मैम 8 नंबर पे, 8 नंबर के बारे में भी एस्ट्रोलॉजी में तो खैर बहुत अलग तरीके से इसको देखते हैं, न्यूमरोलॉजी में 8 नंबर वालों का क्या अस्तित्व है, क्या मतलब है, उनकी क्या USPs हैं 8 नंबर वालों के लिए, आप जरा बता पाए। 8 नंबर मतलब आप मोदी जी का नंबर पकड़ के चलिए, ठीक है, अभी हम लोग नंबर्स के हिसाब से अगर बात करें तो मोदी जी का बर्थडे 17 को आता है, और नंबर 8 की हम लोग बात करें, देखिए नंबर 8 दो सर्कल वाला नंबर है, इससे निकलना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। हम लोग जब न्यूमरोलॉजिकली स्टडी करते हैं इसकी बहुत बड़ी हिस्ट्री है, मतलब अगर आप मुझे पूछोगे कि शीतल न्यूमरोलॉजिस्ट क्यों बनी हो, तो मैं सारा क्रेडिट दे देती हूँ नंबर 8 को, कि मैं नंबर 8 की वजह से न्यूमरोलॉजिस्ट हुआ, जो भी फेम, जो भी मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, ये सिर्फ सीक्रेट मेरा जो है ये नंबर 8 का है, तो नंबर कोई बुरे नहीं होते हैं, ये मैं हमेशा बोलते रहती हूँ, तो नंबर 8 मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग पीपल होते हैं। हम लोग इसे बोल सकते हैं कि मैथमेटिक्स तो होते ही है, बट थोड़ा सा ये निगेटिव विचार बहुत इनके, मतलब मोस्ट ऑफ टाइम इनके ऊपर निगेटिव थिंकिंग का साया ज्यादा रहता है, ऐसे हम लोग बोलते, बट बहुत ज्यादा डिटरमाइंड रहता है, डेडिकेटेड रहता है, हर काम कंप्लीट करने की इनमें बहुत ज्यादा खूबियां होती है। ठीक है, तो ये कुछ एक USPs हैं जो कि 8 तारीख को अगर आप पैदा हुए किसी भी महीने के अंदर,
तो ये होंगे आपके अंदर, ये गुण होंगे आपके अंदर। आप इसको अगर अवगुण भी उसमें कुछ दिख रहे हैं तो उसको ठीक किया जा सकता है, वो तो आपके अपने जो नेचर है उसमें थोड़ा सा भी बदलाव करके उसमें काफी तक उसको भी ठीक किया जा सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं, 8 तारीख वालों का मैं जरा मार्केट का पॉइंट ऑफ व्यू से पता कर लेता हूं कि शेयर बाजार के लिहाज से 8 तारीख वालों को कैसा रहेगा। 7 तारीख शेयर बाजार वालों के लिए उतनी अच्छी नहीं है, क्या 8 के लिए भी ऐसा ही है? शीतल मैम आपको जरा व्यू 8 नंबर के लिए तो पहले तो मैं मनाई कर देती हूँ स्टॉक मार्केट पर, सिर्फ इन्वेस्टमेंट इन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगी। जैसे 7 नंबर के लिए मैंने बोला था कि आप लोग जाइए थोड़ा स्टडी करिए, फिर आपके लिए फ्यूचर्स ऑप्शंस या डे इंट्राडे या फिर इन्वेस्टमेंट है या नहीं है ये हम लोग डिसाइड करते हैं। मैं यहाँ पर ज्यादा मतलब हम लोग ये नहीं बोलेंगे, अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट, वो भी ब्लू चिप स्टॉक्स में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नंबर 8 के लिए बेटर रहेगा। बहुत बार ऐसे भी होता है कि नंबर 8 वाले जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ब्लू चिप स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कभी कभी गलत एंट्री हो जाती है इन लोगों से, और ये इतने निगेटिव माइंडेड होते हैं, इतने निगेटिव ये थिंक करते हैं कि ये लॉस बुक करके निकल जाते हैं, उसके बाद में ये स्टॉक बढ़ता है। तो इसलिए एंट्री एग्जिट लेवल इन लोगों को प्रॉपरली सीखना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि स्टॉक मार्केट का पूरा नॉलेज लीजिए और उसके बाद में स्टॉक मार्केट में एंटर करेंगे ये लोग तो डेफिनेटली फायदा नहीं होगा, ऐसे नहीं हम लोग बोल सकते, बट सोच समझ के और पूरी जानकारी लेके अगर ये लोग जाएंगे। और अगर जैसे मैं अभी स्टॉक मार्केट की क्लासेस लेती हूँ तो मैं फंड डाइवर्सिफाइड करना सिखाती हूँ, तो मैं म्यूचुअल फंड, आईपीओस, इक्विटी और डे इंट्राडे के लिए मैं थोड़ा सा फंड बाजू में रखवा देती हूँ, बाकी मैं सारा लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि आप 70% सेफ इन्वेस्टमेंट करो और 30% रिस्क ले लो। तो मैं 8 नंबर वालों को सजेस्ट करूंगी कि ये 90% इन्वेस्टमेंट करें और 10% पे अगर ये रिस्क लेना चाहते हैं तो ले सकते, फिर अपने स्टॉक मार्केट का नाम भी तो नहीं खराब होगा ना डिफ्यूजर, नहीं तो लोग बिना सोचे समझे एंटर करते और फिर स्टॉक मार्केट का नाम खराब कर लो। तो मैं अब इसका तो एक ही नारा बन गया कि अगर आप 8 नंबर वाले हैं तो आपको करना इन्वेस्टमेंट है बस, आपके लिए ट्रेडिंग व्रेडिंग से थोड़ा दूर रहो और इन्वेस्टमेंट करो, वो भी समझदारी के साथ, थोड़ी पढ़ाई लिखाई करने के बाद, थोड़ा आइडिया लेने के बाद, अगर आप नहीं कर सकते तो किसी अच्छे सलाहकार के साथ मिल के करो, करो इन्वेस्टमेंट 90% 100% भी मैं बोल सकता हूँ कि इन्वेस्टमेंट ही ठीक रहेगी। आगे बढ़ते हैं, अब जरा मार्केट के बाद मैम 8 तारीख वालों के लिए फॉरेन विजिट और उनके सेटलमेंट। यस, फॉरेन जाने के लिए मुश्किलें जरूर आती है क्योंकि देखिए अब मोदी जी को ही देख ले कितनी सारी कंट्रीज घूम फिर के आ गए हैं, तो ये लोग जा सकते हैं बट इनको टाइम कब मिला, मतलब आपने देखा है कि मोदी जी का नंबर जो है उन्होंने फर्स्ट हाफ जो है वो कितना स्ट्रगल किया हम लोगों को सबको पता है कि पहले उन्होंने चाय बेची उसके बाद में वो कितनी सारी कंट्रीज घूम के आए हम लोगों को भी काउंट करना डिफिकल्ट होगा। तो सेम नंबर है 8 नंबर, थोड़ी सी मुश्किल आएगी बट मैंने आपको पहले यूएसबी में बोला है कि ये नंबर बहुत स्ट्रॉन्ग है, 2 सर्कल से निकलना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब आप इसे आड़ा कर दो तो ये इन्फिनिटी है, मतलब एंडलेस पॉसिबिलिटीज इनके साथ है। बट यहाँ पे वापस वही सजेस्ट करूंगी, अगर आपको आइडिया होगा डिम्पी सर तो मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ और मैं कुछ न्यूमरोलॉजिकली यंत्रास पे भी काम करती हूँ, जो नंबर्स आपके मिसिंग है जैसे आपकी बर्थडेट 8 है बट आपको जुपिटर की भी हेल्प चाहिए, आपको वीनस की भी हेल्प चाहिए, आपको गुरु की भी हेल्प चाहिए, तो वो नंबर्स के हिसाब से वो हेल्प मैं आपको ऐड कर देती हूँ। तो अगर नंबर 8 या फिर कोई भी नंबर होने दीजिए, अगर यंत्रास की हेल्प करते उस यंत्रास में कुछ नहीं, थोड़े से नंबर्स जो आपकी अबेंडेंस बढ़ाएगा तो डेफिनेटली यहाँ पे तो प्रॉस्पेरिटी भी बढ़ जाएगी, फेम भी बढ़ जाएगा और वो नंबर्स आपको सारी चीजें अच्छे से करने में हेल्प करेगा, तो उस यंत्रास में मैं वो आपको प्रोवाइड करती हूँ। ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो ये तो गया फॉरेन का, 8 तारीख जिनका भी जन्म है किसी भी महीने का तो उनके लिए फॉरेन का उनका स्टेटस है। आते मैम इनके फैमिली और हेल्थ पे, आप दोनों एक साथ ही बता दीजिएगा, एक तो फैमिली और हेल्थ 8 तारीख वालों की कैसे रहती है? बहुत स्ट्रिक्ट होता है डिम्पी सर, ये लोग नंबर 8 वाले लोग जो होते हैं ना ये इनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं और एक डर सा होता है, मतलब इन्होंने अगर बोल दी कोई चीज करनी है तो मतलब करनी ही पड़ती है, अगर ना करे तो उसके बाद में क्या होगा ये आप जान सकते हो मतलब, बट ये किसी भी टाइम पे डिफिकल्ट टाइम पे हेल्प करने के भी ये हमेशा रेडी रहते हैं, तो मतलब स्ट्रिक्ट के साथ इनको रिस्पेक्ट भी मिल जाती है और रिलेशनशिप में अगर थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस हो तो सामने वाला अगर डरता है उतनी केयर आप लोग लीजिए, इतना मत डराइए, इतने मत स्ट्रिक्ट रहिए,
यस, अगर आप हेल्थ वाइज अगर देखोगे तो छोटा मोटा इन्फेक्शन इनको जल्दी पकड़ लेता है, एलर्जिक समस्याएं रहती है, और मतलब आप बोल सकते हो कि ओल्ड एज में हार्ट की प्रॉब्लम इन लोगों को हो सकती है। ओके, ठीक है, तो मैंने थोड़ा एलर्जी इनको रहता है। कई लोगों का नेचर हमने देखा है कि एक ही परिवार के होते हैं बट किसी बच्चे को थोड़ी एलर्जेटिक थोड़ा ज़्यादा होता है, थोड़ा कम होता है, ये सब तो होता है। खैर, ये 8 तारीख में ज़रा नोटिसेबल होगा तो आप इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ, यारी दोस्ती अच्छे से गाँटते हैं 8 तारीख वाले, और दूसरे इनको अच्छे से सपोर्ट भी मिलता है, इज्जत भी मिलता है, प्यार भी मिलता है। तो ये 8 तारीख वालों का एक नेचर है उनकी अपनी फैमिली का, और साथ ही साथ उनसे स्वास्थ्य से जुड़ी बातें भी। अब आते हैं 8 तारीख के बिजनेस और जॉब वाले हिस्से पे। मैम, इनका बिजनेस और जॉब का हिस्सा कैसे रहता है? देखिए, अगर मैं आप मुझे कैटेगराइज करके बोलोगे कि शीतल जॉब में कितना परसेंट और बिजनेस में कितना परसेंट, तो मैं यहाँ पे सिंपली आपको बोल दूंगी, जैसे मैंने बोला 90% इन्वेस्टमेंट और 10% रेंट, यहाँ पे भी मैं वही बोलूंगी कि 90% जॉब को फर्स्ट प्रेफरेंस है और 10% ये बिजनेस कर सकते हैं। ऐसे नहीं है कि बिजनेस में सक्सेस नहीं होगा, बट 10% मैं सजेस्ट करूंगी कि बिजनेस करें। देखिए, इसके ऊपर भी ऑप्शन होता है हर चीज के लिए, न्यूमरोलॉजी एस्ट्रोलॉजी मेरे पास ऑप्शन होता है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो, अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हो और आपका नंबर सूटेबल नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूंगी आपकी किसी फैमिली के नाम के ऊपर आप बैकबोन रहिए, नाम उनका यूज कर लीजिए। हाँ, बट पॉलिटिकली ये बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, पॉलिटिक्स फील्ड इनके लिए डेफिनेटली अच्छा होता है। 90% जॉब और 10% बिजनेस में इन लोगों के लिए सजेस्ट करूंगी। ग्रेट, ये कुछ 9 नंबर 4 नंबर वाला जैसा ही लग रहा है। वहां पर भी आपने यही बताया था कि उनको नौकरी थोड़ी ज्यादा करनी चाहिए और उनको थोड़ा बिजनेस से थोड़ा बचना चाहिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 से लेके 31 तक, क्योंकि आपने तो सारे नंबर्स के बारे में जानते होंगे, तो आपको ऐसा लगता है कि ये 8 नंबर ही एक ऐसा है जहाँ पे 90% तक जॉब का हिस्सा आ रहा है? यस सर, 8 नंबर ही ऐसे हैं जहाँ पर मैंने वही बोला ना कि हर चीज के लिए ऑप्शन होता है, नंबर्स बुरे नहीं होते हैं, बट हाँ अभी ये थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होता है। अब सिंपल लॉजिक लगा लीजिए, अब ये इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि ये अगर बिजनेस करने जाए तो इनको हर चीज प्रॉपर चाहिए, हर चीज में इनको परफेक्शन चाहिए, और अगर ये नहीं मिला तो इनके हाथ के नीचे वर्कर्स नहीं टिकेंगे, वर्कर्स नहीं टिकेंगे तो काम नहीं बनेगा, प्रोडक्शन रुक जाएगा, मतलब हर चीज में नंबर्स के हिसाब से आ वेल मुझे मार हो सकता है, तो इसके लिए बेटर है ये जॉब करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है मैम, बहुत बढ़िया। आज आपने फिर से 7 और 8 तारीख वालों के लिए उनका बिजनेस, मार्केट, फॉरेन, उनकी हेल्थ, उनके फैमिली का स्टेटस ये बताया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करते हैं हमारी ये सीरीज आगे चलकर आपको 31 नंबर पूरे करके बता देगी, ताकि आपका जन्म अगर किसी भी तारीख को हुआ है तो आपको पता लग जाएगा कि आपका व्यवहार क्या है और उसको काफी हद तक हमें कहाँ पे जाना है। अगर आप फिर भी और एडवाइस लेना चाहते हैं तो शीतल मैम से मिल भी सकते हैं, उनसे बात भी कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप के नंबर आपको स्क्रीन पर है, ईमेल एड्रेस उनका है, उनकी वेबसाइट है, और आप चाहें तो उनके यूट्यूब चैनल पर भी जाके वीडियोज देख सकते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी जाके वीडियोज देख सकते हैं, तो दोनों ही हम शेयर भी करते हैं। शीतल मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आगे चल के हम बातचीत करेंगे फिर हम 9 और 10 वालों की, और आप जहाँ पे नासिक में हैं खूब अच्छे से एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।